की कोशिश की, ये तो बात और है, जिन पे हमने भरोसा किया वो दलाल निकल गए। जिस इंसान ने जब से करनी सेना को ज्वाइन किया, आप लोगों को नहीं पता था कि करनी सेना क्या है, जीवन सिंह जी को नहीं पता था करनी सेना क्या है, एक राजपूत सच्चे करनी सैनिक की तरह से उसने मध्य प्रदेश के तमाम राजपूतों में एकता की एक ज्योत जलाई और उस जीवन सिंह शेरपुर के साथ दगा करने वाले राजनीतिक गलियारों में अपने नाम के आगे सिंह लगाने वाले कुत्तों से भी ज्यादा पूंछ हिला रहे थे। और बड़ा बुरा लगता है जब कोई नाम के पीछे सिंह लगाने वाला जर्मन शेफर्ड से भी ज्यादा पूंछ हिलाता है। लेकिन दोस्तों, जीवन सिंह शेरपुर एक गांव का नाम नहीं, जीवन सिंह शेरपुर खुद एक शेर है। हम पूंछ नहीं हिलाते, हम जब पूंछ हिलाएंगे ना, जब ताजा शिकार सामने होता है ना, तब शेर पूंछ हिलाता है। किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से, किसी पतलौलता की वजह से शेर पूंछ हिलाने वालों में से नहीं है, शेर चपट्टा मारने वालों में से है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के युवा राजपूतों से, यहां बैठी मातृशक्ति से, कि ये आज झपट्टा 8 तारीख को आपने इस मध्य प्रदेश की धरती पे, भोपाल की धरती पे मारा है। मैं विश्वबंधु सिंह राठौर, करनी सेना का मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। कुछ लोगों ने थोड़ी दिन पहले एक बात कही थी, हम विलय करने आए हैं, हम करनी सेना को जोड़ने आए हैं, हम एक करने आए हैं। जो ये बात कर रहे थे ना, तो वो छोड़ के भागे हैं। मैं तो कहता हूं आज इस मंच से, महिपाल सिंह जी मकराना यहां मौजूद है, अगर वाकई में अगर विलय होना चाहेगा तो आज ये विश्वबंधु सिंह राष्ट्रीय करनी सेना का विलय श्री राजपूत करनी सेना में करने के लिए आप लोगों की उपस्थिति चाहेगा। ये होता है किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जोड़ लिया, किसी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़ लिया, ये कौन सी राजनीति है? दोस्तों, जब से मैंने मध्य प्रदेश की धरा पे कल कदम रखे मेरे, तब से लेके यहां तक पहुंचने के ऊपर जो जोश नजर आया गाड़ियों में, युवा साथियों में, वाकई एक उत्साह का काम कर गया, एक अलग सा जोश जगा गया। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये वादा लेना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके, कि अगर इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व शेर जीवन सिंह जी शेरपुर को मिलता है तो आप लोग उनका साथ मत छोड़ना। ये आज आप सौगंध खाइए, अपना हाथ उठा करके, अब वाकई में अगर ये जलजला, ये आग इस मध्य प्रदेश से उठ के पूरे हिंदुस्तान में लग गई ना, तो पूरा हिंदुस्तान का राजपूत जो अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस कर रहा था, फिर से अपनी कॉलर उठा के खड़ा होगा, फिर वही शेरों की चाल चलेगा। मुझे सौगंध है आपको मां भवानी की, कि किसी भी हालत में जीवन सिंह जी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों, समय कम है, वक्ता ज्यादा है, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन एक बार जयकारा फिर से जगदम्बा का, बड़ा जगदम्बा मात की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये जो आप देख रहे हैं, लाखों लाख लोग जो हैं, ये जीवन सिंह जी का साथ छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि जीवन सिंह जी अगर